यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। CS भाटी ई लर्निंग के यूट्यूब चैनल पर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सामान्य हस्त औजार और चाबी से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए फिगर का निम्नलिखित नामों में से कौन सा नाम सही है। दोस्तों चित्र ध्यान से देखिए, चित्र में एक प्लायर दिखाया गया है, हमें इस प्लायर के प्रकार का नाम बताना है। ऑप्शन ए नोज प्लायर, बी गैस प्लायर, सी एंड कटिंग प्लायर और ऑप्शन डी स्लिप जॉइंट मल्टीग्रिप प्लायर। इसमें ऑप्शन डी सही होगा, स्लिप जॉइंट मल्टीग्रिप प्लायर। अगला प्रश्न है, हथौड़े का आई होल अंडाकार होता है और केंद्र की ओर बेवेल्ड होता है, क्योंकि ऑप्शन ए वह वजन कम करता है, ऑप्शन बी उसका निर्माण सरल है, ऑप्शन सी हथौड़ा मारने में परिश्रम कम लगता है और ऑप्शन डी वैज लगाना। इसमें ऑप्शन डी सही होगा कि वैज लगाने के लिए हम हथौड़े के आई होल को अंडाकार बनाते हैं। अगला प्रश्न है, चित्र में दर्शित पार्ट ए का क्या नाम है। दोस्तों चित्र ध्यान से देखिए, चित्र में एक बेंच वाइस दिखाई गई है और ऑप्शन और पार्ट ए का हमें नाम बताना है। ऑप्शन ए है फिक्स्ड जा, ऑप्शन बी मूवेबल जा, ऑप्शन सी हैंडल और ऑप्शन डी हार्ड जॉ। इसमें ऑप्शन बी सही होगा, मूवेबल जॉ। अगला प्रश्न है, एक बेंच वाइस को निम्न में से स्पेसिफाई किया जाता है। ऑप्शन ए स्पिंडल की लंबाई से, ऑप्शन बी जबड़े की चौड़ाई से, ऑप्शन सी स्थिर जबड़े की लंबाई से और ऑप्शन डी मूवेबल जॉ की मूविंग डिस्टेंस से। तो एक बेंच वाइस को स्पेसिफाई किया जाता है जबड़े की चौड़ाई से, इसमें ऑप्शन बी जबड़े की चौड़ाई सही होगा। अगला प्रश्न है, माइल्ड क्लैंप को बेंच वाइस में शीट मेटल के क्लैंपिंग में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ऑप्शन ए यह ब्रेकेज रोकता है, ऑप्शन बी इंडेंटेशन रोकता है, ऑप्शन सी यह वियर और टियर को रोकता है और ऑप्शन डी हाई एक्यूरेसी देता है। तो मृदु क्लैंप को बेंच वाइस में वियर और टियर रोकने के लिए करते हैं, ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, शाफ्ट पर टेपर्ड फिटिंग में उपयोगी चाबी का प्रकार कौन सा है। ऑप्शन ए संघ की, ऑप्शन बी फीदर की, ऑप्शन सी वुड्रफ की और ऑप्शन डी हॉलो सैडल की। इसमें ऑप्शन सी सही होगा कि वुड्रफ की का प्रयोग टेपर्ड फिटिंग में किया जाता है। अगला प्रश्न है, वुड्रफ चाबी की आकृति सेमी सर्कुलर होती है जो ऑप्शन ए टेपर्ड शाफ्ट और हब असेंबली में प्रयुक्त की जाती है, ऑप्शन बी हब को निकाले बिना असेंबली में रिमूवेबल के लिए की जाती है, ऑप्शन सी अन्य प्रकार की चाबियों की अपेक्षा अधिक टॉर्क को ट्रांसमिट करती है, ऑप्शन डी शाफ्ट और हब के फ्लैट सरफेस के बीच रखी जाती है। ऊपर जो बताया गया प्रश्न है उससे ही संबंधित ये भी प्रश्न है, इसमें ऑप्शन ए सही होगा कि वुड्रफ की चाबी सेमी सर्कुलर रखी जाती है जिससे टेपर्ड शाफ्ट और हब असेंबली में इसे प्रयोग किया जा सके, ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, टेपर्ड शाफ्ट पर हब असेंबली में वुड्रफ चाबी का प्रयोग क्यों किया जाता है। ऑप्शन ए यह कम खर्चीली है, ऑप्शन बी यह हैवी लोड को सहन करती है, ऑप्शन सी यह शियर स्ट्रेस को सहन करती है और ऑप्शन डी उसको फिट करना आसान है और हब को चाबी खांचे से वह सेल्फ अलाइन्ड हो जाती है। तो टेपर्ड फिटिंग में की हब असेंबली में वुड्रफ चाबी का प्रयोग ऑप्शन डी के लिए करते हैं कि उसे फिट करना आसान होता है और हब के जो की स्लॉट है उसमें वह सेल्फ अलाइन्ड हो जाती है। अगला प्रश्न है, टेपर्ड शाफ्ट असेंबली में कौन सी चाबी प्रयोग की जाती है। ऑप्शन ए फ्लैट सैडल की, बी गिब हेड की, सी हॉलो सैडल की और ऑप्शन डी वुड्रफ की। इसमें ऑप्शन डी सही होगा कि वुड्रफ की का प्रयोग टेपर्ड शाफ्ट असेंबली में किया जाता है। अगला प्रश्न है, संयोजन सहित छोटे टेपर्ड शाफ्ट में वुड्रफ चाबी का प्रयोग करते हैं।
ऑप्शन ए यह हैवी लोड उठाता है, ऑप्शन बी यह सीयर स्ट्रेस को सहन करता है, ऑप्शन सी यह हब के की वे में आसानी से फिट और सेल्फ अलाइंड हो जाती है, और ऑप्शन डी यह कम खर्चीली होती है। इसमें ऑप्शन सी सही होगा कि यह हब के की वे में आसानी से फिट होती है और सेल्फ अलाइंड हो जाती है। अगला प्रश्न है, शाफ्ट को मैच करने के लिए की को नीचे से कर्व किया जाता है, इस की को कहते हैं ऑप्शन ए शंख की, बी फेदर की, सी फ्लैट सैडल की, और ऑप्शन डी हॉलो सैडल की। इसमें ऑप्शन डी सही होगा कि हॉलो सैडल की का प्रयोग नीचे से कर्व सरफेस के स्थान पर किया जाता है। अगला प्रश्न है, एक इंजीनियर वाइस के साइज को निम्न के द्वारा स्पेसिफाई किया जाता है, ऑप्शन ए चल जबड़े यानी कि मूवेबल जॉ की लंबाई से, ऑप्शन बी जबड़े की चौड़ाई से, ऑप्शन सी वाइस की ऊंचाई से, और ऑप्शन डी जबड़े की अधिकतम ओपनिंग से। इसमें ऑप्शन बी सही होगा कि जबड़े की चौड़ाई से इंजीनियर वाइस की साइज को स्पेसिफाई किया जाता है। अगला प्रश्न है, पिन हथौड़े हैमर का एक भाग होता है, पिन के कई अलग अलग प्रकार होते हैं, निम्न में से कौन सा एक पिन का आकार नहीं है, ऑप्शन ए बॉल पिन, ऑप्शन बी क्रॉस पिन, ऑप्शन सी स्ट्रेट पिन, और ऑप्शन डी बैंड पिन। इसमें ऑप्शन डी सही होगा कि बैंड पिन हथौड़े में किसी भी प्रकार का पिन नहीं होता है, बॉल पिन, क्रॉस पिन और स्ट्रेट पिन ये तीनों पिन हथौड़े में उपलब्ध होते हैं। अगला प्रश्न है, की वे में ग्रूव यानी कि झिर्रियां और स्लॉट खांचे को काटने के लिए किस चीजल का प्रयोग किया जाता है, तो की वे में की वे बनाने के लिए कौन सी चीजल हम यूज़ करते हैं ये हमें बताना है, ऑप्शन ए फ्लैट चीजल, ऑप्शन बी क्रॉस कट चीजल, ऑप्शन सी हाफ राउंड नोज चीजल, और ऑप्शन डी डायमंड पॉइंट चीजल। इसमें ऑप्शन बी सही होगा कि क्रॉस कट चीजल का प्रयोग की वे में स्लॉट काटने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, वाइस क्लैंप के प्रयोग का क्या कारण है ये हमें बताना है, ऑप्शन ए कठोर जबड़े से बचाव करना, ऑप्शन बी वर्क पीस को दृढ़तापूर्वक यानी कि मजबूती से क्लैंप करना, ऑप्शन सी फिनिश की हुई सतहों को खराब होने से बचाना, और ऑप्शन डी मूवेबल जॉ को फाइल होने से बचाना। तो वाइस क्लैंप का प्रयोग ऑप्शन सी सही होगा कि फिनिश की हुई सतह को खराब होने से बचाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, एक इंजीनियर वाइस को चित्र के द्वारा प्रदर्शित ढंग से मेज पर लगाने का एक निम्न कारण होता है। दोस्तों चित्र देखिए, चित्र में एक वाइस बताई गई है, बेंच वाइस, और एक जॉब के ऊपर फाइलिंग करते हुए बताया गया है। ऑप्शन ए धातु का चूरा मेज पर न गिरकर जमीन पर गिरेगा, ऑप्शन बी टॉमी बार को घूमने से मेज में बाधा नहीं उत्पन्न होगी, ऑप्शन सी वाइस में लंबी रॉड को सीधा ऊर्ध्वाधर लगाया जा सकता है, और ऑप्शन डी वाइस को स्थिर करने वाले बोल्ट को मेज के ऊपर तक निकाला जा सकता है। इसमें ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, क्लैंप का प्रयोग क्यों किया जाता है, ऑप्शन ए एक मशीन से दूसरे तक पदार्थ ले जाने के लिए किया जाता है, ऑप्शन बी कार्य की गति को रोकने के लिए किया जाता है, ऑप्शन सी मशीन के कंपोनेंट को खरोंच लगने से बचाने के लिए किया जाता है, और ऑप्शन डी एक्यूरेसी बनाए रखने के लिए किया जाता है। इसमें ऑप्शन बी सही होगा कि क्लैंप का प्रयोग कार्य की गति को रोकने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी क्लैंपिंग युक्ति की आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन ए वांछित क्लैंपिंग बल लगाना चाहिए, ऑप्शन बी न्यूनतम चाल के साथ लॉक करने में योग्य होना चाहिए, ऑप्शन सी बल लगाने पर उसमें लचीलापन होना चाहिए, और ऑप्शन डी कई साइज के जॉब को ग्रहण करना चाहिए। तो क्लैंपिंग युक्ति की ऑप्शन सी सही होगा कि इसमें ऑप्शन सी की आवश्यकता नहीं है, बल लगाने पर उसमें लचीलापन होना चाहिए। अगला प्रश्न है, हथौड़े का वह भाग जहां हत्ता लगा होता है निम्न कहलाता है, ऑप्शन ए फेस, बी पिन, सी चीक, और ऑप्शन डी आई होल। इसमें ऑप्शन डी सही होगा, आई होल वह भाग होता है जहां हत्ता लगाया जाता है।
अगला प्रश्न है, लेग वाइज की बॉडी सामान्यतः निम्न धातु की बनी होती है। ऑप्शन ए कास्ट आयरन, बी स्टील, सी रॉट आयरन और ऑप्शन डी एलॉय कास्ट आयरन। तो लेग वाइज की बॉडी ऑप्शन सी सही होगा, पिटवा लोहे की रॉट आयरन से बनी होती है। अगला प्रश्न है, सामान्य बेंच वाइज के स्पिंडल पर कौन सी चूड़ी कटी होती है। ऑप्शन ए एक्मे थ्रेड, बी स्क्वायर थ्रेड, सी वी थ्रेड और ऑप्शन डी बटरस थ्रेड। इसमें ऑप्शन बी स्क्वायर थ्रेड सही होगा। अगला प्रश्न है, होलो सैडल की केवल डैश ट्रांसमिट करने के लिए उपयोग की जाती है। ऑप्शन ए लाइट ड्यूटी ट्रांसमिशन, बी मीडियम ट्रांसमिशन, सी हाई ट्रांसमिशन और ऑप्शन डी वेरी हाई ट्रांसमिशन। तो होलो सैडल की का प्रयोग लाइट ड्यूटी के ट्रांसमिशन के लिए करते हैं, ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है कि की एक मशीन कंपोनेंट है जो डैश के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए मशीन को लॉक करने के लिए, ऑप्शन बी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, ऑप्शन सी मशीन को स्टार्ट करने के लिए और ऑप्शन डी रिलेटिव मोशन ट्रांसमिट करने के लिए। इसमें ऑप्शन डी सही होगा, रिलेटिव मोशन को ट्रांसमिट करने के लिए। अगला प्रश्न है, हैंडल को घुमाने पर भी बेंच वाइज का मूवेबल जॉ नहीं खुलता है, इसका क्या कारण है। ऑप्शन ए थ्रेड्स थोड़ी सी घिस गई है, ऑप्शन बी स्प्रिंग कार्य नहीं कर रही है, ऑप्शन सी स्पिंडल की पिन टूट गई है और ऑप्शन डी जबड़ा ज़्यादा कस दिया गया है। ऐसा प्रायः होता है कि कार्यशाला में जब हम काम करते हैं तो देखते हैं कि मूवेबल जॉ स्पिंडल को घुमाने पर भी नहीं खुल रहा है, तो इसका कारण ऑप्शन सी होगा कि स्पिंडल की पिन टूट गई है। पिन टूट जाने से स्प्रिंग काम करना बंद कर देती है और मूवेबल जॉ अपने स्थान पर स्थिर रह जाता है। अगला प्रश्न है, हैमर में पिन का उपयोग क्यों होता है। ऑप्शन ए चोट मारने के लिए, ऑप्शन बी यह आकार देने और फॉर्मिंग में प्रयुक्त होता है, ऑप्शन सी यह धातु को एक दिशा में फैलाता है और ऑप्शन डी यह फोर्जिंग में प्रयुक्त होता है। तो हथौड़े के पिन का प्रयोग ऑप्शन बी के लिए करते हैं कि यह शेपिंग और फॉर्मिंग के लिए पिन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, की का नाम पहचानें। दोस्तों चित्र देखिए, चित्र में एक शाफ्ट बताई गई है और उसमें एक की का प्रयोग किए हुए बताया हुआ है, हमें इस की का नाम बताना। ऑप्शन ए होलो सैडल की, ऑप्शन बी फ्लैट सैडल की, ऑप्शन सी पैरेलल सैडल की और ऑप्शन डी फीडर की। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा कि फ्लैट सैडल की इसमें चित्र में दिखाई गई है। अगला प्रश्न है, इंपैक्ट प्रकार की हाई टॉर्क वाली चाबियां जिसे रोटेशन की दोनों दिशाओं में ट्रांसमिट करना हो उसका नाम बताना है हमें। ऑप्शन ए वुड्रफ की, ऑप्शन बी सैडल की, ऑप्शन सी गिब हेड की और ऑप्शन डी टेंजेंशियल की। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा कि टेंजेंशियल की का प्रयोग रोटेशन की दोनों दिशाओं में पावर को ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, चित्र देखिए, चित्र देख करके हमें चाबी का नाम बताना है। ऑप्शन ए वुड्रफ की, बी सैडल की, सी फेदर की, ऑप्शन डी गिब हेड की। तो इसमें चित्र में ऑप्शन ए सही होगा, वुड्रफ की दिखाई गई है। अगला प्रश्न है, रिंचों के लगातार फ्रीक्वेंटली प्रयोग के कारण कार्यखंडों को डैमेज होने से बचाने के लिए प्रयोग होने वाली वस्तु को हमें पहचानना है। ऑप्शन ए स्टिल्सन पाइप रिंच, ऑप्शन बी स्ट्रैप रिंच, ऑप्शन सी चैन रिंच और ऑप्शन डी फुट प्रिंट रिंच। इसमें ऑप्शन बी सही होगा, स्ट्रैप रिंच। अगला प्रश्न है, कीज के कंपोनेंट्स को एक्सियल मूवमेंट के द्वारा गति प्रदान करता है जब यह शाफ्ट पर फिट होती है। शाफ्ट के साथ लगी हुई चाबी को पहचानना है। चित्र में चार प्रकार की चाबियां दिखाई गई हैं, इनमें से हमें उस चाबी को पहचानना है जो कंपोनेंट्स को एक्सियल मूवमेंट प्रदान करती है। इसमें ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, चित्र में दिखाई गई की का प्रकार बताना है। चित्र देखिए, ऑप्शन ए फ्लैट की, बी संख की, सी सेडल की और ऑप्शन डी वुड्रफ की। तो चित्र में वुड्रफ की बताई गई है, ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, किस की में रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन होता है और यह शाफ्ट और हब दोनों पर चाबी घाट के कट में फिट हो जाता है। ऑप्शन ए हॉलो सैडल की, बी
फीदर की, ऑप्शन सी वुडफ की, और ऑप्शन डी संक की। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, संक की का प्रयोग, संक की का क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगुलर होता है और शाफ्ट और हब दोनों के की वे कट में यह फिट होता है। अगला प्रश्न है, एक बॉल पेन हैमर दिखाया गया है, चित्र में एक्स के द्वारा अंकित पार्ट का हमें नाम बताना है। ऑप्शन ए बॉल पेन, बी आई होल, सी फेस, और ऑप्शन डी लेफ्ट सॉफ्ट। इसमें ऑप्शन बी सही होगा, आई होल। अगला प्रश्न है, इसमें भी एक बेंच वाइस दिखाई गई है, चित्र में एक्स के द्वारा अंकित पार्ट का हमें नाम बताना है। ऑप्शन ए मूवेबल जॉ, ऑप्शन बी फिक्स जॉ, ऑप्शन सी स्पिंडल, एंड ऑप्शन डी हार्ड जॉ। तो चित्र में एक्स के द्वारा हार्ड जॉ को अंकित किया गया है, ऑप्शन डी इसमें सही होगा। वाइस की बॉडी बनी होती है, अगले प्रश्न में वाइस की बॉडी का मटेरियल पूछा गया है, ऑप्शन ए स्टील, बी कास्ट आयरन, सी दोनों ए व बी, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन सी दोनों ए और बी होगा कि वाइस की बॉडी कास्ट आयरन या स्टील दोनों में से किसी भी धातु की बनी होती है। अगला प्रश्न है, बेंच वाइस को अधिक कसने ओवर टाइटनिंग पर कौन सा पार्ट डैमेज होगा, ऑप्शन ए हैंडल, बी स्पिंडल, सी स्क्वायर नट, और ऑप्शन डी फिक्स्ड जॉ। तो बेंच वाइस की ओवर टाइटनिंग करने से स्क्वायर नट जो है वो डैमेज होगा, ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न प्रकार के फास्टनर को शाफ्ट और व्हील के मध्य पावर को मूवमेंट को रोकने के लिए डिजाइन किया जाता है, ऑप्शन ए कुंजी यानी की, ऑप्शन बी मशीन पिन, ऑप्शन सी रिवेट, एंड ऑप्शन डी नकल। तो ऑप्शन ए इसमें सही होगा कि की का प्रयोग शाफ्ट और व्हील के मध्य मूवमेंट को रोकने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, बेंच वाइज का मूवेबल जॉ स्पिंडल को घुमाने के बाद भी नहीं घूम रहा है, इसका क्या कारण हो सकता है, ऑप्शन ए फिक्स्ड और घूमने योग्य यानी कि मूवेबल जॉ अत्यधिक कसा हुआ है, ऑप्शन बी स्पिंडल की पिन टूट गई है, ऑप्शन सी स्प्रिंग कार्य नहीं कर रही है, ऑप्शन डी थ्रेड थोड़ी घिस गई है। तो ऑप्शन बी इसमें सही होगा कि स्पिंडल की पिन टूट गई है जिसके कारण मूवेबल जॉ स्पिंडल को घुमाने पर भी नहीं घूम रहा है। अगला प्रश्न है, इस प्रकार के रिंच का जॉ स्क्रू की सहायता से पैरेलल ओपन होता है, अलग अलग साइज के नटों के लिए ये होते हैं, ऑप्शन ए पाइप रिंच, बी मंकी रिंच, ऑप्शन सी सॉकेट रिंच, और ऑप्शन डी एलन रिंच। इसमें ऑप्शन बी मंकी रिंच सही होगा। मंकी रिंच का प्रयोग अलग अलग साइज के स्क्रू के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, स्ट्रेट पिन हैमर का पिन होता है, ऑप्शन ए हैंडल के एंगुलर, ऑप्शन बी हैंडल के सीध में, ऑप्शन सी हैंडल के क्रॉस में, और ऑप्शन डी हैंडल की ओर। तो स्ट्रेट पेन हैमर में ऑप्शन बी सही होगा कि हैंडल की सीध में पिन होता है। अगला प्रश्न है, रिंग स्पैनर के कटावों की संख्या यानी कि नॉचेस की संख्या निम्न हो सकती है, ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 8, और ऑप्शन डी 12। तो इसमें ऑप्शन डी 12 सही होगा कि रिंग स्पैनर में कटावों की संख्या आमतौर पर 12 होती है। अगला प्रश्न है, लकड़ी से बने हैमर को निम्न नाम से जाना जाता है, ऑप्शन ए बॉल पेन हैमर, ऑप्शन बी मैलेट, ऑप्शन सी स्लेज हैमर, और ऑप्शन डी स्ट्रेट पिन हैमर। इसमें ऑप्शन बी सही होगा कि मैलेट को लकड़ी से बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस हैमर का प्रयोग शीट मेटल के कार्य के लिए किया जाता है, ऑप्शन ए बॉल पिन हैमर, ऑप्शन बी स्लेज हैमर, ऑप्शन सी क्रॉस पिन हैमर, और ऑप्शन डी सॉफ्ट हैमर। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, सॉफ्ट हैमर या वुडन हैमर जो है वो शीट मेटल के कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, हथौड़े का चोट मारने वाला हिस्सा यानी कि स्ट्राइकिंग पोर्शन क्या कहलाता है, ऑप्शन ए आई, ऑप्शन बी पिन, ऑप्शन सी हैंडल, और ऑप्शन डी चीक। इसमें ऑप्शन बी पिन सही होगा। अगला प्रश्न है, हथौड़े का वह भाग जिसका उपयोग स्ट्राइकिंग के लिए जाना जाता है, ऑप्शन ए पिन, ऑप्शन बी फेस, ऑप्शन सी चीक, और ऑप्शन डी आई होल। इसमें ऑप्शन बी फेस सही होगा। अगला प्रश्न है, वाइस में सॉफ्ट जॉ का प्रयोग क्यों किया जाता है, ऑप्शन ए फिनिश की हुई सरफेस को
प्रोटेक्ट करने के लिए, ऑप्शन बी वाइस के जॉज की सुरक्षा के लिए, ऑप्शन सी जॉब को मजबूती से पकड़ने के लिए और ऑप्शन डी फाइल की सुरक्षा के लिए। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा कि फिनिश की हुई सरफेस को प्रोटेक्ट करने के लिए हम सॉफ्ट जॉ का प्रयोग करेंगे। अगला प्रश्न है, अधिकांश की डैश से बनाई जाती है, ऑप्शन ए हाई स्पीड स्टील, बी माइल्ड स्टील, सी कास्ट आयरन, ऑप्शन डी पिग आयरन। तो अधिकांश की हाई स्पीड स्टील से बनाई जाती है, ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, बेंच वाइज के स्पिंडल में किस प्रकार के थ्रेड का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन ए एक्मे थ्रेड, बी वी थ्रेड, सी स्क्वायर थ्रेड और ऑप्शन डी नकल थ्रेड। तो इसमें ऑप्शन सी स्क्वायर थ्रेड सही होगा कि बेंच वाइज के स्पिंडल में स्क्वायर थ्रेड कटी होती है। अगला प्रश्न है, हैमर बनाने के लिए आमतौर पर किस मेटल का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन ए माइल्ड स्टील, बी रॉट आयरन, सी कास्ट आयरन और ऑप्शन डी कास्ट स्टील। तो ऑप्शन डी इसमें सही होगा कि कास्ट स्टील का प्रयोग हैमर बनाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, आरी यानी कि सॉ को तेज करने के लिए निम्न में से किस वाइस का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन ए सा वाइस, ऑप्शन बी कारपेंटर वाइस, ऑप्शन सी बार क्लैंप और ऑप्शन डी सी क्लैंप। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, सॉ वाइस का प्रयोग हम कारपेंट्री के जो सॉ होते हैं उसको शार्पन करने के लिए, दांते तीखे करने के लिए करते हैं। अगला प्रश्न है, खोखले बेलनाकार जॉब को पकड़ने के लिए किस वाइस का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन ए पिन वाइस, बी पाइप वाइस, सी हैंड वाइस और ऑप्शन डी बेंच वाइस। तो इसमें ऑप्शन बी पाइप वाइस सही होगा कि हॉलो सिलेंड्रिकल जॉब को पकड़ने के लिए हम पाइप वाइस का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, हैमर के फेस पर हल्की सी कॉन्वेक्सिटी उत्तलता क्यों दी जाती है, ऑप्शन ए प्रभावकारी चोट बनाने के लिए, ऑप्शन बी किनारों को दबने से बचाने के लिए, ऑप्शन सी स्ट्राइकिंग पर इवन लोड प्रदान करने के लिए और ऑप्शन डी वर्क सरफेस को डैमेज होने से बचाने के लिए। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा कि किनारे को दबने से बचाने के लिए हम हथौड़े के फेस को थोड़ा सा कॉन्वेक्स कर देते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए चित्र देखिए, इसमें एक हैमर दिखाया गया है, हमें इस हैमर का नाम बताना है, ऑप्शन ए मैलेट हैमर, ऑप्शन बी बॉल पेन हैमर, ऑप्शन सी क्रॉस पेन हैमर और ऑप्शन डी स्ट्रेट पेन हैमर। तो इसमें ऑप्शन सी क्रॉस पेन हैमर सही होगा, हैंडल के क्रॉस में इसकी पिन बनी है। अगला प्रश्न है, कौन सी चाबी टेपर शाफ्ट की फिटिंग के लिए प्रयुक्त होती है, ऑप्शन ए सन की, ऑप्शन बी फीदर की, ऑप्शन सी गिब हेड की और ऑप्शन डी वुडरफ की। तो ऑप्शन डी इसमें सही होगा कि वुडरफ की का प्रयोग टेपर शाफ्ट की फिटिंग के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक का मुख्य लाभ क्या है, ऑप्शन ए विभिन्न कोणों को सेट करने के लिए, ऑप्शन बी विभिन्न गहराई को सेट करने के लिए, ऑप्शन सी विभिन्न लंबाई पर सेट करने के लिए और ऑप्शन डी विभिन्न ऊंचाई पर सेट करने के लिए। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा कि विभिन्न ऊंचाई पर जॉब को सेट करने के लिए एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है और ये इसका मुख्य एडवांटेज है। अगला प्रश्न है, रिवेट हेड के फॉर्मिंग के लिए किस हैमर का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन ए स्ट्रेट पिन हैमर, ऑप्शन बी सॉफ्ट हैमर, ऑप्शन सी बॉल पेन हैमर, ऑप्शन डी क्रॉस पिन हैमर। तो ऑप्शन सी इसमें सही होगा कि बॉल पेन हैमर का प्रयोग रिवेट हेड के निर्माण के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, डेप्थ में लगे हुए बोल्ट को खोलने के लिए कौन सा स्पैनर प्रयुक्त किया जाता है, डेप्थ में लगे हुए यानी मशीन की सरफेस है उससे डीपली कोई अगर नट या बोल्ट लगा है तो उसे खोलने के लिए हमें कौन सा स्पैनर यूज करना होगा, ऑप्शन ए सॉकेट स्पैनर, ऑप्शन बी रिंग स्पैनर, ऑप्शन सी ओपन एंडेड स्पैनर और ऑप्शन डी हुक स्पैनर। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा कि सॉकेट स्पैनर यानी गोटी पाने से हम डेप्थ में लगे हुए बोल्टों को खोल सकते हैं नटों को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सेमी सर्कुलर की लाइट टॉर्क के ट्रांसमिशन में प्रयुक्त होती है, ऑप्शन ए गिब हेड की, ऑप्शन बी सैडल की, ऑप्शन सी फेदर की और ऑप्शन डी वुडरफ की। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा कि वुडरफ की का प्रयोग लाइट टॉर्क के ट्रांसमिशन के लिए किया जाता है।